सो बॉयज एंड गर्ल्स, कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो कुछ एक लफड़ा हुआ था तुम्हारे साथ में, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट का, हाँ है ना? सो लेट्स वाइंड इट अप दैट होल सिनारियो। एक्चुअली अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखेंगे, इंस्टीट्यूट मटेरियल, राइट, एक ओल्ड मटेरियल है और एक अपडेटेड मटेरियल है, या न्यू मॉड्यूल देखिए। अगर आप न्यू मॉड्यूल या अपडेटेड मटेरियल देखेंगे तो जो मैंने आपको कल सिखाया था वो बिल्कुल सही है, एंड यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग ओनली। सो अभी मैं आपके सामने क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू शो यू टू मटेरियल, वन इज ओल्ड एंड वन इज अपडेटेड। इज दैट ओके? सो जब आप ओल्ड मटेरियल ओपन करेंगे, ये देखिए, ये रहा ओल्ड मटेरियल। ओल्ड मटेरियल में व्हाट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इज, ऑन 1/1/2005 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 20,000 फॉर 3 months एंड ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी, द वर्ड यूज्ड इज ड्यू डेट। बट अब इसको चेंज कर नए मटेरियल में उन्होंने शब्द क्या यूज किया, देखिए वही इंस्टीट्यूट का मटेरियल, मैं अल्ट टैब करता हूं और ये रहा लेटेस्ट मटेरियल, उन्होंने इस शब्द को चेंज कर क्या लिख दिया है, मैच्योरिटी डेट। पीछे गए हमारे आंसर क्यों नहीं मैच हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जितने भी आंसर दिए थे मैच्योरिटी डेट के दिए थे, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, ड्यू डेट, तो इसलिए कल हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे, हाँ या नहीं? बट इंस्टीट्यूट ने ये चेंज किया, ये प्रमाण है कि जो मैंने आपको कल सिखाया वो सब कुछ सही था। सो ध्यान रहे, मैच्योरिटी डेट निकालनी होगी तो क्या करेंगे आप, 3 दिन ऐड, और अगर आपको ड्यू डेट बोलेंगे तो 3 दिन ऐड करने के पहले, समझ में? और अगर मान लो ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे है तो चिंता नहीं करने का, कुछ बच्चे डेढ़ होशियार होते, ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे आया तो एक डेट पहले नहीं लेने का, मैच्योरिटी डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे आया तो एक दिन पहले लेना रहता। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो कुछ बच्चे डेढ़ होशियार करके आएंगे एग्जाम में, नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ड्यू डेट आई, डीडी ड्यू डेट आई 10/4/18, 10/4/18 हॉलीडे है, राइट? तो ऐसा नहीं बोलने का ड्यू डेट इज 9/4/18, लोग येड़ा बोलते, पथरा मारते दूर दूर से, समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि ये वो वाली ईड़ नहीं है, जानबूझकर जिंदगी में कहीं आगे नहीं जाना चाहते। अरे बाबा ड्यू डेट के दिन एक दिन प्रिसीडिंग नहीं जाते, हां मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन आगे, कड़ता है काय, हाँ मैच्योरिटी डेट अगर पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पीछे, मतलब प्रिसीडिंग डेट, इफ इट इज एन इमरजेंसी हॉलीडे देन एक दिन आगे, समझ में आई बात? ध्यान में, चलो कल मैंने आपको बताया था DDMMYY, हाँ या नहीं? अच्छा नंबर ऑफ डेज में दिया तो किसमें ऐड करोगे, डेज में, मंथ में दिया तो किसमें ऐड करोगे, मंथ में, डू यू एग्री? कल हमने ये सारी चीजें देखी थी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट क्लियरली। ग्रेस डेज ऐड करना इज एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यस्टरडे आई ऑल्सो स्टार्टेड विद व्हाट, रिबेट ऑफ द बिल एंड रिन्यूअल ऑफ द बिल। व्हाट इज रिबेट ऑफ द बिल, व्हेन समबडी मेक्स द पेमेंट अर्ली देन माय डियर फ्रेंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिबेट। मुझे एंट्री चाहिए थी, रिबेट की एंट्री क्या की थी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, श्योर? ओके, नाउ आई वांट टू हैव द नेक्स्ट एंट्री फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, वो मैंने सिखाई नहीं, आज हम वापस रिन्यूअल ऑफ द बिल के ऊपर काम करेंगे। और मैंने आपको कहा कि एग्जाम में बहुत मरतबा रिन्यूअल ऑफ द बिल पर क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, झंडू तो सुन, रिन्यूअल ऑफ द बिल, रिन्यूअल ऑफ द बिल में क्या होता है, तुम्हारे जैसे होता है एक आदमी जिसको मैं बोलता हूं कि बेटा आज होमवर्क करके आओ, कल मैं होमवर्क चेक करूंगा, होमवर्क करके आना, तुम कल आते हो और हाथ खड़े कर देते हो, सॉरी सर होमवर्क नहीं करके आया, तो फिर मैं क्या करता हूं, आई रिन्यू योर होमवर्क, करता हूं कि नहीं करता हूं, रिन्यू योर होमवर्क, फिर रिन्यू योर होमवर्क डायरेक्टली कर देता, एक थप्पड़ लगाता हूं, नलायक ऐसा करेगा वैसा करेगा, पापा को फोन करो मम्मी को फोन करो, सब धमकाता हूं तुमको, और फिर रिन्यूअल ऑफ द होमवर्क होता है, हाँ या नहीं? सो बेटा रिन्यूअल ऑफ होमवर्क या रिन्यूअल ऑफ द बिल होता है तब आपको क्या करना है, पहले वाले चीज को कैंसिल करना पड़ता है, से यस, बोलो ना, पहले वाले चीज को क्या करेंगे, कैंसल, पहले वाले बिल को कैंसल करना पड़ेगा। कैंसल की एंट्री मतलब डिसऑनर की एंट्री, एग्रीड? कैंसल की एंट्री मतलब क्या, डिसऑनर की एंट्री, और फिर नए बिल की एंट्री करनी पड़ेगी, न्यू बिल, से यस। और न्यू बिल की एंट्री ये पूरी तरीके से फ्रेश बिल के हिसाब से करनी होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए पांडे जी, कल मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स लिख कर दिए थे रिन्यूअल ऑफ बिल में, राइट? रिन्यूअल ऑफ बिल में मैंने पहले आपको सिखाया इंटरेस्ट कैसे निकलता है, बोलो हाँ, बोला है कि नहीं बोला है? क्योंकि अगर रिन्यू करना है तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, वी हैव टू लेवी सम इंटरेस्ट ऑन हिम, से यस गुड़िया,
सो व्हेन आई रिन्यू द बिल आई एम गोइंग टू लेवी इंटरेस्ट. व्हाट आई एम गोइंग टू लेवी इंटरेस्ट. वो कैसे निकालना, मैंने आपको बताया. ओल्ड बिल है नहीं, क्या लिख कर दिया था, ओल्ड बिल प्लस प्लस एनसी इफ एनी. अर्थ कलते का पांड्या, एनसी इफ एनी मतलब नोटिंग चार्जेस अगर कुछ. तो कुल मिलाकर तुमको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉवी से कितने रुपए आने के उसको पहले छाप रहा हूं. ड्रॉवी से इतने आने ना, मैं आपको सिखाता था डिसऑनर की एंट्री करो, तो फिर हम क्या कर देते, ड्रॉवीस को डिसऑनर की एंट्री करो. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट इन द ब्रैकेट आई यूज्ड टू राइट डाउन अमाउंट ऑफ बिल प्लस एनसी इफ एनी. से हो, हो. सो डिड यू अंडरस्टैंड, ओल्ड बिल प्लस एनसी इफ एनी लेस लेस अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग डीआर एग्री. इससे हमें जो अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट. तो एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो उसका रूल एकदम सिंपल है, पहले वाला बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. मैं कर क्या रहा हूं वो कॉमन सेंस है कि उस व्यक्ति से मुझे कितने रुपए आने बाकी है, वो लिया माइनस जो ऑलरेडी आ गया, उसके ऊपर क्यों इंटरेस्ट देगा वो भाई, है नहीं. तो फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट. इसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में कन्वर्ट करते. प्रैक्टिकल सिचुएशन में मतलब क्या, अगर मान लो मुझे तेरे आदमी से, मतलब तेरे आदमी से कैसे होगा, तू आदमी है हाँ, मुझे तेरे से 10,000 रुपए आने हैं, ठीक है, मुझे तेरे से कितने आने बेटा, 10,000 रुपए. अगर मान लो 10,000 रुपए नहीं देता, तो मैं इसको क्या रिक्वेस्ट करता हूं, देख भाई 10,000 नहीं दे पा रहा, बट यार मुझे भी आगे देने का है, कुछ तो दे दे. तो ही गिव्स मी 6,000. अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, मैं इंटरेस्ट किस पर लगाऊंगा, 4,000. तो वही तो मैं कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ बिल प्लस एनसी, ये क्या हो गया, अमाउंट ड्यू माइनस अमाउंट रिसीव्ड इनटू व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. समझे कि नहीं समझे बेटा, इंटरेस्ट का और न्यू बिल का कोई लेना देना नहीं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ताल्लुकात पूरा अलग. अब मैं आपको सिखाता हूं न्यू बिल कैसे निकलता है. सो न्यू बिल भी ऐसे ही है, कैसे, ऐसे ओल्ड बिल प्लस एनसी इफ एनी, राइट, प्लस इंटरेस्ट. कितना प्यारा बच्चा है ये, तो इंटरेस्ट भी तो वसूल करूंगा ना भाई, पांड्या करूंगा ना, मुंह नहीं है जबान नहीं है, सलेगा माइनस अमाउंट रिसीव. बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नॉट ऑलवेज, वो बोलेंगे तो. अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल बनाता हूं, सुनते रहिए, सुन रहे हो ना तुम. देखो ओल्ड बिल की अमाउंट है 10,000, एग्रीड, नोटिंग चार्जेस है 200 मैडम, इंटरेस्ट है 300 मैडम, टोटल कितना आना है 10,500. अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया, मैंने बोला अब राड़ा मत करो, ठीक है. ए 11th स्टैंडर्ड, ध्यान से देख रहे हो, और आ गया 11th स्टैंडर्ड, हाँ आग मत लगा, आ गया, जगह मैं देता हूं बेटा, इधर बिठाऊंगा चाहिए तो तेरे को, चला जा, आ जा उधर बैठा, उधर पीछे बैठ कर क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता है, तुझे आता है समझ में, गुड. अभी ये स्माइल के साथ इधर बैठे रहे, खरबूजा. ए भाई पहले ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल ओबी, फिर उसके ऊपर क्या एनसी, नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट. ए झूठ मत बोलो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना मैंने बताया कि नहीं बताया, बताया. अब न्यू बिल की अमाउंट कितनी है? मैं उसको बोला सुन बे मेरे को 3,000 रुपए तेरे से चाहिए और इंटरेस्ट भी अभी का भी चाहिए. नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला मुझे तेरे से 3,000 रुपए चाहिए और इंटरेस्ट की अमाउंट भी अभी दे. ऐसा होता नहीं कि अपन किसी को लोन देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गिव मी द लोन अमाउंट का पार्शियल अमाउंट और इंटरेस्ट भी दे अभी. से यस, तो उससे अमाउंट ड्यू कितना रहेगा, कैन आई नॉट से न्यू बिल की अमाउंट कितनी है 10,500 माइनस 3,000 और माइनस कितना 300. अरे हाँ नहीं, तो कितने का बिल बनेगा 7,000. तो रूल क्या बना, ये देखो मैंने ऐसे बोला ना, ओरिजिनल बिल प्लस एनसी प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट ड्यू हुई, माइनस अमाउंट रिसीव्ड. यू हैव टू रीड द कॉन्ट्रैक्ट कि लिखा क्या है, अमाउंट रिसीव्ड कैन बी द 3,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट. बट उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि ओनली गिव 3,000 रुपीज, तो मैं कितना माइनस कर देगा, इंटरेस्ट माइनस करेगा क्या, नहीं. तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है. ये कब माइनस करना, जब एग्जामिनर बोलेगा कि आपको पैसा वसूल करते हो कि इंटरेस्ट का भी वसूल कर लेना. नहीं समझ में आ रहा है. सपोज एक है राधेश्याम, राधेश्याम से आने 10,000 प्लस नोटिंग चार्जेस आने
200 प्लस इंटरेस्ट आना है 300, टोटल कितने आने हैं 10,500। से यस। अब मैं बोलूंगा 10,500 में से उसने मुझे दिए 3,000 रुपए, तो कितने आने उससे बाकी है 7,500, नया बिल इसका बन गया। यह एक तरीका हो सकता है। या मैं ऐसे बोलूंगा, सुन राधेश्याम 10,500 तेरे से आने हैं, 3,000 रुपए दे और मेरा इंटरेस्ट भी दे। तो बेटा इंटरेस्ट कितना है तुमने कैलकुलेट किया ना, कितना है 300। तो बेटा जी माइनस 300 तो कितना आ जाएगा 7,200। तुम रट्टा मार ही नहीं सकते कि कब इंटरेस्ट माइनस करना है कब नहीं करना है। इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कैश इज रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। सर ऐड करने में कोई ऑप्शन है क्या? ऐड तो हमेशा करना पड़ेगा, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू ऐड, बट लेस कब करना है? ओनली व्हेन द एग्जामिनर सेज कि इंटरेस्ट भी मिल गया है कैश में। मेरी बात पहुंची क्या? नहीं मुझे नहीं समझा कब लेस करने का। हो पेन खाने वाले नाक में डलवा के आ जाए इधर से ऐसे ब्लेशर, फिर बेल को जैसे बांधते बांध के लेके जाएंगे। गाइस जब बोल जल्दी से। चलो मैं पूछता हूं अभी, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा क्या? पूरी क्लास, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा क्या? ऑलवेज ऐड इंटरेस्ट, सही है, बट लेस कब होगा? जब वो मिल गए तो लेस होगा, अगर नहीं मिला तो लेस होगा क्या? नहीं। पक्का? सो लिखिए, स्टेप्स टू सॉल्व रिन्यूअल ऑफ द बिल प्रॉब्लम, स्टेप्स टू सॉल्व रिन्यूअल ऑफ द बिल प्रॉब्लम। कल हमने क्या क्या लिखा था? जर्नल एंट्री तो लिखी नहीं, झूठ मत बोल, रिबेट की लिखी, रिन्यूअल की बात कर रहे हैं। अच्छा, रिन्यूअल का सिर्फ फॉर्मूला लिखा ना। नाउ राइट डाउन स्टेप्स टू सॉल्व रिन्यूअल ऑफ द बिल, स्टेप्स टू सॉल्व रिन्यूअल ऑफ द बिल, स्टेप्स टू सॉल्व रिन्यूअल ऑफ द बिल। फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट इंटरेस्ट, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट इंटरेस्ट, फर्स्ट स्टेप गुड़िया कैलकुलेट इंटरेस्ट। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट? मैं भूल गया हूं। ओल्ड बिल प्लस एनसी इफ एनी माइनस अमाउंट रिसीव इनटू इंटरेस्ट रेट ब्ला 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 ब्ला। हाँ इनटू इंटरेस्ट रेट बराबर है, बराबर बोला मैं। अरे यार छोरी कैसे करते है, कोई ऐसे करता है कि किसी के साथ? ओल्ड बिल, मैंने कुछ गलत बोला? ओल्ड बिल प्लस एनसी, अच्छा ठीक है ये, अच्छा ओल्ड बिल प्लस एनसी माइनस अमाउंट रिसीव, मैंने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला? ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अमाउंट रिसीव्ड बोलना है, मैंने बोला ऐसा? शायद मेरा भूत था, मैं नहीं हूं ऐसा, भरोसा मानो, एक बार भरोसा कर लो। यही फाइनल है, क्या फॉर्मूला है? ओल्ड बिल प्लस एनसी माइनस अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टेन्योर। अच्छा बरोबर है क्या वाला? अच्छा ये हुई एक एंट्री। अब फर्स्ट स्टेप क्या लिख कर दी मैंने? कैलकुलेट इंटरेस्ट। राइट डाउन स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। कैसे निकालोगे गुड़िया? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, ओल्ड बिल लिखो, ओल्ड बिल लिखो, ओल्ड बिल, ओल्ड बिल प्लस एनसी प्लस इंटरेस्ट माइनस, आवाज ही नहीं आती कुछ, क्या बोलते? माइनस अमाउंट रिसीव्ड, नहीं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मत लिखो, अमाउंट रिसीव्ड लिख दो, बस बात खत्म। क्योंकि ऑलवेज इट इज नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो जब बोलेंगे कि इंटरेस्ट मिला तभी, तो इसलिए शॉर्टकट क्या है? माइनस कर दो डायरेक्टली अमाउंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट भी आया तो भी माइनस कर दो, इंटरेस्ट नहीं आया तो भी माइनस कर दो। सो कुल मिलाकर हमने क्या लिख दिया? माइनस अमाउंट रिसीव्ड। चलो जल्दी से बताओ क्या है? ओल्ड बिल प्लस एनसी प्लस इंटरेस्ट माइनस अमाउंट रिसीव्ड, बराबर है? ओके, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं, जो अमाउंट मिली वो माइनस कर दो, डन डन डन। ये किसके बिल की एंट्री होगी? न्यू बिल। अब जर्नल एंट्री कैसे? जर्नल एंट्री, कल का होमवर्क याद आ रहा है क्या? कुछ क्या होमवर्क था? रिवाइज करके आने का जर्नल एंट्री, यस और नो? सो जर्नल एंट्री फर्स्ट वन लिखेंगे नहीं, डिसऑनर की एंट्री करने की, डिसऑनर की एंट्री, फिर प्लस इंटरेस्ट की एंट्री, फिर प्लस कैश रिसीव्ड की एंट्री इफ एनी, और प्लस न्यू बिल की एंट्री। तू घाई करेगा कि तू सुनेगा? घाई करेगा कि सुनेगा?
मुझे एक बात बताओ, रिन्यूअल ऑफ द बिल में कितनी एंट्रीज होती है? 1, 2, 3, 4 करनी पड़ती है क्या? कंपल्सरी करनी पड़ती है। पहली एंट्री किसकी है? डिसऑनर। दूसरी एंट्री किसकी है? इंटरेस्ट। तीसरी एंट्री किसकी है? तीसरी एंट्री किसकी है? कैश रिसीव। चौथी एंट्री किसकी है? न्यू बिल। चलो एक बार वापस, पहली एंट्री डिसऑनर, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट, तीसरी एंट्री कैश रिसीव, चौथी एंट्री न्यू बिल। अब देखो मैं कैसे सोचता हूं, मेरे लिए चीजें आसान है। मैं पहले इसमें से इजी इजी पार्ट ढूंढ लेता हूं। क्या आपको कैश रिसीव्ड की एंट्री आती? क्या बचपन से सुंदर टीचर सिखाती आई है? कैश आई तो कैश को क्या मारने का? डेबिट। तो क्या हमारी पहली एंट्री क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट बचपन से सीखते आए। ओके पांड्या, न्यू बिल रिसीव्ड, बिल ड्रॉन की एंट्री बताओ। बिल ड्रॉन की एंट्री बता रहे, बी आर अकाउंट डेबिट, क्या बोले? बी आर टू ड्रॉवी। क्या तुम शुद्धि पर हो, बुद्धि पर हो? बी आर टू ड्रॉवी। अरे बोलना। और जब बिल डिसऑनर होता है पांडे जी, तो एंट्री क्या करते हम? ड्रॉवी टू बी आर, ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडरसी, ड्रॉवी टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और नोटिंग चार्जेस रहा तो भी आता है, ड्रॉवी टू बी आर टू बैंक, ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोरसी, ड्रॉवी टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, कैश बैंक से। यस, नहीं समझा। डिसऑनर की एंट्री बताओ, ड्रॉवी टू बी आर, ड्रॉवी टू बी आर। अभी दूसरी वाला ना, अभी ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोरसी, ड्रॉवी टू सेंट फॉर कलेक्शन। दिस इज व्हेन नोटिंग चार्जेस आर नॉट पेड। नोटिंग चार्जेस आर पेड। एंट्री बताओ, ड्रॉवी टू बी आर टू कैश, ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोरसी, ड्रॉवी टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू कैश ऑब्लिक बैंक। समझे कि नहीं? मैंने आपको समझा के भेज दिया कि बीआर में नोटिंग चार्जेस ऐड नहीं हो सकते, बाकी के केस में नोटिंग चार्जेस ऐड हो सकते हैं। और लॉजिक ऑफ डिसऑनर इज वेरी सिंपल, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, किससे पैसा आना है? ड्रॉवी से। किसको देना है? उसको क्रेडिट से। हो एक झंपिया। फिर डिसऑनर की एंट्री मैंने अभी के लिए तुम्हारे लिए, ड्रॉवी टू बीआर, बोलो ना। हाँ आईला, कितना प्यारा है। और टू कैश ऑब्लिक बैंक बोले तो एनसी कड़ता है काय। तो पहली डिसऑनर की एंट्री हो गई, कैश रिसीव भी आ गया, न्यू बिल भी आ गया। अब न्यू बिल के अमाउंट तो पता है ना पांडे जी? बोला हाँ या नहीं। अब इंटरेस्ट मुझे बताओ, मुझे बताओ। नहीं बताओगे? मैं पूछूंगा, बताना पड़ेगा। हम उसके ऊपर बिल निकाल रहे हैं, वो हमें इंटरेस्ट देने वाला है। हम उसके ऊपर बिल निकाल रहे हैं, वो हमें इंटरेस्ट देने वाला है। तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा अभी तक? वापिस बोलो। हम उसको बिल निकालने वाले हैं, वो हमें इंटरेस्ट देने वाला है। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम है पांडे जी, एक्सपेंस है? इनकम एक्सपेंस। इनकम को बचपन में क्या सीखे हो? कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। किससे आना है? ड्रॉवी से। बात ही खत्म हो गई ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, बात ही खत्म हो गई ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। जिससे पैसा आना होता है उसको डेबिट बैलेंस होता है कि नहीं होता है? तो एंट्रीज क्या हो जाती है? ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। बट तुम्हारी मॉड्यूल कभी कभी छिछोरा बन कर देती है, तुम्हें पता है? बहुत छिछोरा बन कर देती है, मुझे पसंद ही नहीं है। वो क्या बोलती पता है क्या? कभी कभी कैश में दे देता है ड्रॉवी पैसे, सो हल्के हाथों से एंट्री कर देती कैश टू इंटरेस्ट। हो सकता है ना? अरे हो सकता है कि नहीं? बट मैं आपको जो बोल रहा हूं, हमेशा एंट्री ड्रॉवी टू इंटरेस्ट करिए, सेफ रहोगे। चलो बताओ पहली एंट्री किसकी होती है, दूसरी एंट्री किसकी होती है, तीसरी एंट्री किसकी होती है, कैश रिसीव, चौथी एंट्री न्यू बिल। मैं आपको अमाउंट निकालना सिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस, चिंता मत करो। तुम सिर्फ अभी एंट्री पर फोकस करो। डिसऑनर की एंट्री आती है क्या? मुझे हर एक टाइप की डिसऑनर की एंट्री चाहिए। पहली ड्रॉवी टू, ये कौन से केस में बनती है? बिल इज रिटेन, बिल डिस्काउंटेड की एंट्री बताओ। ड्रॉवी टू एंडोर्स किया तो एंट्री बताओ। ड्रॉवी टू एंडोर्स, अगर सेंट फॉर कलेक्शन हुआ तो ड्रॉवी टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अगर नोटिंग चार्जेस रहा तो ड्रॉवी टू बीआर, आवाज नहीं, ड्रॉवी टू बीआर टू कैश पब्लिक बैंक। नेक्स्ट ड्रॉवी टू बैंक, दोनों में एनसी ऐड कर देते क्या? एंडोर्स किया तो
draw it to end or say absolutely right. And the last entry, draw it to bills and for collection to cash public bank account. You lovely people so far, right? Ye dishonor ke entry bhi maa aapse pooch raha hu. Interest income astai ka interest expense astai ikde income rehta hai. इनकम को बचपन में सिखाया था सुंदर टीचर ने. कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. किससे पैसा आना है? एंट्री क्या मारेगा जंबूरे? ड्रॉ इट टू इंटरेस्ट. फिर कैश आई, कैश आई, कैश आई तो एंट्री क्या सिखाई? कैश टू ड्रॉवी. कैश टू क्या बोला? कैश टू इंटरेस्ट. अरे नहीं रे, वो मैंने मॉड्यूल का एक ऑप्शन बताया कि कैश टू इंटरेस्ट. बट अभी कैश टू इंटरेस्ट बोलेंगे क्या? नहीं, पैसा आ गया तो एंट्री क्या? कैश टू ड्रॉवी. पुढ़े चला, लास्ट वाली एंट्री क्या थी? वो नया बी निकाला. क्या एंट्री होगी? बी आर टू ड्रॉवी. से यस यस. ये वो संतोष को बुला रहे, वो आवाज बना. मेरे को लगा आया और वैसे ही भागा. अरे देखते क्या हो, लिख कर लो. बारात में आए हो क्या मेरी? लिखो जल्दी. तो एक काम कर बेटा, कल से एक सुई लेके आया कर. उसने आवाज किया, खप एक सुई डाल देनी, बस खत्म. देखने गए नहीं आगे पीछे. और एक हो सके तो एक ये नहीं था कि तकिया क्या छोटा सा मुंह में डालने का, उसके घुसेड़ने का और इधर से दबाने का. आवाज भी ना निकल पाए. अभी बैठ बेटा आराम से, क्योंकि जब मैं लिख रहा था तब तू भी लिख रहा था, है कि नहीं? अभी क्या मजा आ रहा, मतलब ऐसे बैठकर क्या मजा क्या आ रहा है बता मेरे को. मेरे को समझ नहीं गया अभी. मतलब जब सब लोग लिख रहे हैं तू बैठा ऐसे ऐसे, एक से एक छिछोरे है ना, पता नहीं कहां से आ जाते हैं. चले अभी हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, इतने प्यारे बच्चों. चलो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसीलिए सर हम पहले लिख कर रखते, क्योंकि आप हमको टाइम नहीं देते हो. बहुत नलायक हो आप. चलो मैं रुक गया, रुक गया हूं मैं. ये रही चर्चा का विषय. इधर बेटा पहले हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे? तू थोड़ा शांति से लेता क्या? हाँ देखो 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 ना. इलस्ट्रेशन वन, मोहन ने माल बेचा गुप्ता जी को. आप जरा एक बात बताएंगे, मोहन बेचने वाला है तो मोहन कौन बन गया? सेलर, वो पता है. और कौन बन गया? ड्रॉवर. और कौन है? क्रेडिटर. गुप्ता जी कौन बन गए? ड्रॉवी. और बायर और डेटर. आगे बढ़ते, 1600. गुप्ता इमीडिएटली एक्सेप्टेड 3 months बिल ऑन ड्यू डेट. ऑन ड्यू डेट समझते हो तुम? हाँ. ऑन ड्यू डेट गुप्ता रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months. मुझे बताओ नए बिल का पीरियड कितना है? 2 महीने. इंटरेस्ट किस पर लगेगा पांडे जी? 3 महीने, 2 महीने? 2 महीने, क्योंकि डिले हो रहा है 2 महीने का. आगे बढ़ते, मोहन एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% वॉज पेड इमीजिएटली इन कैश. इस लाइन का मीनिंग बताओ. मोहन ने क्या बोला? इंटरेस्ट इमीडिएटली पेमेंट करोगे कैश में. अच्छा, टू दिस गुप्ता वॉज एग्रीएबल. द सेकंड बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट. पास जर्नल एंट्रीज भाड़ में जाए. मुझे एक कितनी सी बात बता दो, इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? मैं जाऊंगा इन्हें. ओल्ड बिल, बिल्कुल सही. 1600 है क्या? अरे बोला ना, है नहीं है. 1600 प्लस एनसी पेनी. कुछ है क्या? कान खोलकर सुन लो, बराबर से बताना. फिर मैंने क्या बोला? लेस अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. वो सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट कैश में दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है. क्या कोई भी अमाउंट रिसीव्ड है क्या इंटरेस्ट को छोड़कर? नहीं है. मेरी बात समझ आती है? सो क्या मैं बराबर लिख रहा हूं क्या? देखो, ओल्ड बिल तुम्हारे बोलने के अनुसार, ओल्ड बिल 1600 प्लस एनसी तुम्हारे बोलने के हिसाब से 0 प्लस अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग.
अरे ये माइनस ही लिखा ना छोरी, कुछ भी, हाँ एक्सक्लूडिंग व्हाट, इंटरेस्ट, ये माइनस इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट रिसीव्ड है क्या कुछ, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है ना, सो अमाउंट रिसीव्ड हाउ मच, जीरो, सो बेटा 1600 इंटू क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9% इंटू 2/12 24, ओके, न्यू बिल, तुमको मैं पहले बोल रहा हूं, कान खोल कर सुन लो, बताओ क्या है पहले, ओल्ड बिल प्लस एनसी प्लस इंटरेस्ट माइनस व्हाट, अमाउंट रिसीव्ड, नहीं नहीं इंक्लूडिंग बोलो ही मत, क्या बोलोगे, सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड, जो भी मिला है वो क्या कर देंगे, माइनस, ये सबसे सिंपल है, क्या करेंगे, माइनस अमाउंट रिसीव, सो माइनस अमाउंट रिसीव्ड बोला गया, क्या आप मुझे बोल सकते हो ओल्ड बिल कितने का, 1600, क्या आप मुझे बोल सकते हो नोटिंग चार्जेस कितना, 0, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 24, माइनस अमाउंट रिसीव्ड कितना है, अमाउंट रिसीव्ड कितना है, पक्का सभी लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि सिर्फ इंटरेस्ट कैश में दिया जाएगा, तो क्या मैं माइनस 24 करूं, सो बेटा बिल कितने का बनेगा, 1600। अब बात इधर तक नहीं रुकेगी पांडे जी, आपको एंट्री करनी पड़ेगी, पहले डिसऑनर की एंट्री बताओ, ड्रॉ टू 1600 ओल्ड बिल, नोटिंग चार्जेस थे क्या कोई, नहीं, सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम, क्या एंट्री हो सकती है, ड्रॉ टू इंटरेस्ट, कैश में मिल रहा है तो और एक एंट्री कर सकते हैं, मॉड्यूल कैश टू इंटरेस्ट, से यस, नेक्स्ट कैश टू इंटरेस्ट, चलो ए कैश टू ड्रॉवी, लास्ट एंट्री बीआर टू आर्ट ड्रॉवी कितने का, 1600, ओके, ये रहा आपके सेवा में 24 इंटरेस्ट आएगा, रे बाबू, ए बाबू, ये पहले वाला बिल डिसऑनर हुआ क्या बाबू, है नहीं, और फिर बेटा जी ये सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वी हैव ऑलरेडी डन दी एंट्रीज, अच्छा ये एक रिबेट का क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, हाँ अब देखो, दिख रहा है क्या सभी को, तो फिर तुम नीचे नहीं देखोगे, प्रॉमिस करो, तो दिखाऊंगा, नीचे देखोगे क्या, नहीं पक्का, इसी प्रॉमिस पर देखो, ऑन 1st January 2011 ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर 10,000 एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट, बी एक्सेप्ट इट्स एंड रिटर्न्स इट टू ए ऑन 1st March 2011, बी रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम, रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल्स ऑफ ए, नाउ दिस इज वेयर योर इंस्टीट्यूट, कल भी उन्होंने राडा किया, आज भी कर रहे हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये जो इन्होंने किया ये सही है, ये जो किया अभी आप देख रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व की, ये सही है, और जो MCQ में आ रहा है वो क्वेश्चन लॉजिकली गलत है, ठीक है, तो मैं आज उसका भी खत्म करूं, मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट का कार्यक्रम खत्म हुआ ना कल, जो हमने था कंफ्यूजन, तो अगर एग्जाम में ड्यू डेट बोला तो 3 दिन पहले वाली डेट ही लोगे, और अगर मैच्योरिटी डेट बोला तो 3 दिन आगे वाली डेट लोगे, हाँ या नहीं, और आपने आज मैंने प्रूफ कर दिखाया कि ओल्ड में वो ड्यू डेट शब्द यूज करते थे, बट अभी न्यू मटेरियल में वो ड्यू डेट का शब्द प्रयोग बंद कर दिया है, उन्होंने शब्द क्या यूज करना शुरू किया, मैच्योरिटी डेट। अब रिबेट के बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि क्या है, बेटा ये बिल की डेट देख लेते, 1 जनवरी है क्या, सो बेटा 1 जनवरी 2011 थी, क्या मैं सही कह रहा हूं, 1 जनवरी 2011, और बेटा जी आपका कितने महीने का बिल था, 3 महीना, सो बेटा 1 जनवरी में इधर ऐड किया 3, अबे हाँ नहीं, सो कितना हो गया 1/4/2011, ये क्या बनी ड्यू डेट, और इसमें ऐड कर दिया 3, सो 3/4/11 ये क्या बन गई, मैच्योरिटी डेट। अच्छा इतना पागल कैसे बन रहा हूं मैं आज, आज वाइफ ने रिवीजन बराबर नहीं लिया मेरा, सॉरी, हाँ 4/4/11 ये क्या बन गया बेटा जी, मैच्योरिटी डेट, ओके, क्यों नाराज हो रहा है भाई यार, क्यों नाराज हो रहा है यार, कब से रहना आराम से, एक बच्चे को झाप दिया ना कि बच्चा नाराज हो जाता मेरे से, पता नहीं क्यों, चल गुंडे सुन रहा है, सभी लोगों को ये बात पता चल गई। अब मैं बताऊं आपको क्या हुआ, आपने सेल किया 1/1/11 को, आपकी ड्यू डेट थी 1/4/2011 और आपकी मैच्योरिटी डेट थी 4/4/11, राइट। अब बेटा ये दो डेट हो गए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जल्दी पेमेंट किया तो डिस्काउंट मिलेगा, क्या बोला, जल्दी पेमेंट किया तो क्या मिलेगा मैडम, डिस्काउंट, तो जल्दी पेमेंट उन्होंने बताया पेमेंट किया 1 मार्च 2011, लोचा पता है क्या तुम्हें क्या है, अगर 1 मार्च से 1/4 तक लेंगे तो 1 महीना होगा, मगर अगर डिस्काउंट निकालना 1 मार्च से लेकर 4/4 तक तो 1 महीना 3 दिन हुए,
बोम बोला काय बोल तो करता है काय नहीं बताऊं वापिस से, 1 मार्च से मतलब डेट ऑफ पेमेंट से लेकर ड्यू डेट तक गया तो महीना एक होता है, बट ड्यू डेट से लेकर मैच्योरिटी डेट तक का डिस्काउंट कैलकुलेट करूं तो 1 महीना 3 दिन होता है। से यस बेटा जी, बट मैंने आपको कल सिखाया था कि आपने लेना है डेट ऑफ रीपेमेंट से लेकर ड्यू डेट तक, ये लॉजिकली सही है। रिबेट निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू ड्यू डेट, कब से कब लेना पड़ेगा, डेट ऑफ पेमेंट टू व्हाट, ड्यू डेट। अब डेट ऑफ पेमेंट इधर है क्या, कितनी अमाउंट का बिल था मैं आपको बताऊं, 10,000, तो 10,000 का बिल इंटू क्या रेट है बेटा जी, 12% इंटू 1/12 मंथ, कितना आ रहा है बेटा, 100 बराबर है। अगर 100 रिबेट सही है तो मैंने ये यहां से लिया है कि नहीं लिया, पीरियड इसका रिबेट कैलकुलेट किया। अगर मैं 1 महीना 3 दिन लेता हूं तो रिबेट अलग आएगा, बोला हाँ या ना, बट देख लो हमारा आंसर बिल्कुल सही से मैच हो रहा है 100। मुझे ये डबल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के पसंद नहीं है, क्योंकि आगे जाके एमसीक्यू में वो क्या कर रहे पता है क्या, वो डिस्काउंट या रिबेट निकालेंगे कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक, पता है क्या, डेट ऑफ पेमेंट टू मैच्योरिटी डेट। गलत है, होना चाहिए डेट ऑफ पेमेंट से लेकर ड्यू डेट तक। क्या आपको मेरी बात पहुंची, अब मैं आपको क्या करूंगा, अब रूल दूंगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है। पहले ड्यू डेट से मतलब सॉरी डेट ऑफ पेमेंट से लेकर ड्यू डेट का निकालना वो राइट आंसर है, अगर वो है तो पहले उसको टिक मार्क करो, अगर नहीं है वो आंसर मजबूर है, अभी अपन क्या करें एमसीक्यू में 4 गोलों में से एक करना है सिलेक्ट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, विल टेक फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट टू मैच्योरिटी डेट। तो बताओ सही क्या है, डेट ऑफ पेमेंट टू ड्यू डेट, बट नहीं है तो क्या करेंगे, ड्यू डेट टू व्हाट, मैच्योरिटी डेट, एग्रीड। चलो नहीं सॉरी ड्यू डेट नहीं रही बाबा, डेट ऑफ पेमेंट टू व्हाट, मैच्योरिटी डेट, मैंने बोल रहा हूं आज रिवीजन बराबर नहीं लिया। चलो बेटा ये लिख कर ले लो, हाँ ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है रिबेट का, लिख ले रहे पांड्या। और ये क्या करने का इसका शॉर्टकट, रिबेट के लिए पीरियड कैसे निकलता है, रिबेट पीरियड ड्यू डे डेट ऑफ पेमेंट टू ड्यू डेट डीडी, नको ना आवाज करू, नहीं आवड़ मला, कस तरी होता है। या यार आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ, कैन आई, ओके बड़ी बड़ी लिसन टू मी केयरफुली नाउ, जो दो चीजें हमने डिसाइड की वो बात समझ लेते हैं अभी एग्जाम में हम क्या करने वाले, सो दैट देर इज नो एम्बिग्यूटी नो कंफ्यूजन। इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू कैलकुलेट द ड्यू डेट, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट 3 डेज बिफोर, एंड ड्यू डेट में पब्लिक हॉलीडे का कोई लेना देना नहीं होता है, इमरजेंसी हॉलीडे का भी कोई लेना देना नहीं होता है। मैच्योरिटी डेट के दिन अगर पब्लिक हॉलीडे या इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो आप उसको एडजस्ट करते हो, से यस मैच्योरिटी डेट में। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर आपको रिबेट निकालना है सो डेट ऑफ पेमेंट
टू ड्यू डेट, ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी से सॉल्व करोगे। बट अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है देन यू हैव टू टेक ड्यू डेट टू व्हाट मैच्योरिटी डेट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर लेटर ऑन। समझ में आएगा कहां से कहां निकालोगे? ए, नहीं रे ड्यू डेट नहीं, डेट ऑफ पेमेंट टू व्हाट मैच्योरिटी डेट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रायोरिटी नंबर टू। कल मैंने एक क्वेश्चन पेंडिंग रखा था आपके लिए, कौन सा एमसीक्यू था वो? 42। तो आपके मॉड्यूल में मैं क्वेश्चन नंबर 42 निकाल लेता हूं बेटा। ओके आर यू देयर? 42। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिबेट का क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? राइट अब वो क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था वो ये भी वैसे ही सॉल्व होना चाहिए। अब देख लेते यहां पर मॉड्यूल का स्टैंड चेंज हो जाता है। पढ़ते ऑन 1/1/2011 विकास ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 3 months ऑन एकता। सो आई विल फर्स्ट राइट डाउन द डेट 1/1/2011। इफ आई थिंक द डेट्स आर ऑल्सो सेम, या कैन यू सी? नहीं ये न्यू मॉड्यूल है बेटा, तो तुम्हारे पास 2006 होगा। ये नई मॉड्यूल है, एकदम न्यू फ्रेश, जो अभी मैंने डाउनलोड किया है अभी। ठीक है, सो 1/1/2011 इसमें कितने महीने ऐड कर दूं? 3। तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/4/11 प्लस 3 दिन, तो कितना आ जाएगा? 4/4/11 ये हुआ MD, ये हुआ DD। अब अगर मैं टाइमलाइन पे प्लॉट करूं तो बेटा MD कितना है? 4/4/11। अगर ये प्लॉट करूं तो ये कितना आ रहा है? 1/4/11। और डेट ऑफ पेमेंट कितना है बेटा? कितना है? 4/3/11। अरे हाँ नहीं, लॉजिकली इंटरेस्ट इस पीरियड का निकलना चाहिए, रिबेट। से यस, रिबेट इस पीरियड का निकलना चाहिए। बट आप रिबेट इस पीरियड का निकालेंगे ऑप्शन टू में। तो अगर इधर का निकालूंगा तो कितने दिन हो जाएंगे बेटा जी? मुझे एक बात बताओ, मार्च महीने में कितने दिन? 31। से यस और नो? सो 31 - 4 = 27। हाँ नहीं, 27 दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे यहां पर। इधर निकालना होगा तो कितने दिन का? 27 दिन का। बट अगर इधर से इधर तक का निकालना है तो कितने दिन का? 1 महीने का। से यस। अमाउंट ऑफ द बिल कितनी थी? अमाउंट ऑफ द बिल कितनी थी? 10,000। 10,000 इंटू वॉट? क्या रेट है? 12% इंटू 1/12। ये सेकेंड ऑप्शन से कर रहा हूं मैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से आंसर मैच नहीं होगा। और ये कितना आ रहा है? 100। राइट right? और मैं ये ऑप्शन टू से सॉल्व किया, ऑप्शन वन से कर दिखा रहा हूं। 10,000 × 12% × 27/365 = 80। बट ये आंसर है क्या? नहीं है। तो बेटा व्हाट राइट आंसर आई एम गोइंग टू चूज? 100। बट सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में से निकाला, मैंने नहीं निकाला, सेम क्वेश्चन, सिर्फ नाम चेंज हुए थे। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था इसके पहले, क्या नाम था उस क्वेश्चन का? कौन था उसमें? गुप्ता था क्या? पता नहीं कौन था। बट ये अभी एकता का है और सेम टू सेम क्वेश्चन ये रहा। इधर इलस्ट्रेशन टू था ना वो, ये देख लो। ए सेल्स टू व्हाट? बी। सेम डेट है बेटा, 1 जनवरी को बेचा, 1 मार्च को रिटायर किया। बेटा 1 मार्च को रिटायर कर रहा है और इसकी ड्यू डेट भी अगर आपको याद होगी तो 4 अप्रैल ही थी। अगर 1 मार्च को रिटायर किया तो भी 1 महीने का निकाल रहे, और 4 मार्च को रिटायर किया तो भी सेम इंटरेस्ट निकाल रहे। तो बेटा राइट अप्रोच, ये जो जर्नल एंट्री कराई वो सही है, जो एमसीक्यू में हुआ है वो गलत है। तो आपको रूल क्या बना? यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू ड्यू डेट। इन केस द आंसर डजंट मैच देन यू हैव टू टेक डेट ऑफ पेमेंट टू मैच्योरिटी डेट। एमसीक्यू मैंने कैसे सॉल्व किया? डेट ऑफ पेमेंट टू मैच्योरिटी डेट, बट वो गलत है। किसी को रीजन जानना है क्यों गलत है वो? रीजन में इंटरेस्ट नहीं है तेरे को? इंटरेस्ट नहीं तो कान बंद कर ले, बाकी को बता दो। बेटा आप मैच्योरिटी डेट तक आने के लिए आप 3 दिन ग्रेस के ऐड करते हो। ये आपने दिन नहीं दिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिन देता है। एग्रीड? मैं डिस्काउंट कितने का दूंगा? मैं बोलूंगा तेरे को पीरियड कितने महीने का दिया था? 3 महीने। तो अगर 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है तो मैं तुझे 1 महीने का डिस्काउंट दूंगा। तो मैं कितने महीने का दे रहा हूं पीरियड? 3 महीने का दे रहा हूं ना। एक एग्जाम्पल, तो मेरा 1/1/11 से लेकर मैंने 3 महीने दिए तो कितना हो जाएगा? 1/4/11। ये इतना क्रेडिट मैंने दिया है, मैं डिस्काउंट जितना पेमेंट किया जल्दी वो इसके साथ कंपेयर करके दूंगा ना। जो 3/4/11 है ये मैं नहीं देता है 3 दिन एक्स्ट्रा, ये कौन देता है?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं तो डिस्काउंट उतने ही पीरियड का दूंगा ना जितना क्रेडिट पीरियड मैंने तेरे को दिया है। मैंने तेरे को क्रेडिट पीरियड 1-4 तक का दिया है, तू कितना जल्दी पेमेंट कर रहा है एक महीने पहले, तो मैं उतने का डिस्काउंट दूंगा। से यस कड़िंग, चलो अभी आ जाओ। ये हो गया कि बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्लियर? और ये अभी 42 वाला एमसीक्यू भी क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है, किसी को लिख कर लेना है क्या ये राइट? ऑप्शन 2 मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, ये गलत है, ठीक है? चले अभी अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे राइट? कल मैंने एमसीक्यू नंबर लिख कर दिए क्या? और कुछ रहा है क्या एमसीक्यू कल में से? नहीं, अच्छा ठीक है, देना गुड़िया। एक कल के सारे डाउट्स क्लियर है क्या बच्चों के दिमाग में? एवरीवन ओके, वेरी गुड। अगर डाउट क्लियर हो गया तो आ जाओ। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, नाउ कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 मतलब लिख के लो पहले 6। ट्वेल्व, 13, 15, 22, 25, 27, एक काम करो ये भी ले लो, 8 भी ले लो, 8 भी ले लो, 27 हो गया, 29, 30, 35, 46 बेटा, 54, 56, 57, आर यू हैप्पी? शैल वी डू इट? ओके, सो प्लीज कम डाउन टू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर मॉड्यूल, आर यू देयर? ओके चलो आ जाओ, मैं पढ़ भी लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके यहां पर, देख भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए बिल फॉर 12,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय ए, ओके डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट हैव टू मेक एन एंट्री, डिस्काउंटेड बाय ए विद अ बैंकर फॉर 11,880 एट मेच्यूरिटी, द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 20, हाउ मच अमाउंट विल द बैंक डिडक्ट फ्रॉम एज बैंक बैलेंस एट द टाइम ऑफ सच डिसऑनर? आई डोंट वॉन्ट यू टू गो इन एनी वेयर, जस्ट मेक द जर्नल एंट्री। हाँ तो बोलो क्या एंट्री है? ड्रॉवी टू वॉट? ड्रॉवी टू वॉट? चलो वेरी गुड, एंट्री इज एब्सोल्युटली राइट। गिव मी द अमाउंट, कितना? 12,020। मैंने आपको बोला एनसी शुड बी एडेड, बोथ आर पर्सनल अकाउंट। तो बेटा अभी प्लीज अभी इस एंट्री का मीनिंग समझो, एंट्री का मीनिंग समझो। मैंने कहा ड्रॉवी 20,000 टू कितना, 20 ना, 12,020 टू बेटा बैंक 12,020। प्लीज कॉपरेट करो, प्लीज कॉपरेट करो। टू बैंक लिखा आपने, हाँ या नहीं? टू बैंक लिखा, इसका मतलब बेटा अगर थोड़ा सा बचपन की कैशबुक याद आती होगी राइट, कैशबुक में ये रिसीट साइड होता है और ये पेमेंट साइड होता है। मतलब अभी ये बैंक आया तो तुम इधर लिखोगे ना बाय ड्रॉवी, हाँ या नहीं? सो बेटा जब बैंक को क्रेडिट होता है इसका मतलब ये होता है पेमेंट, कैश को क्रेडिट होता है इसका भी मतलब होता है पेमेंट, कैश को डेबिट हुआ इसका मतलब रिसीव्ड, बैंक को डेबिट हुआ मतलब रिसीव्ड। से यस और नो?
मुझे नहीं समझा, कैश को क्रेडिट हुआ, रिसीव्ड और पेड, बैंक को क्रेडिट हुआ, पेड, बराबर है ना? कैश को डेबिट हुआ, बैंक को डेबिट हुआ, रिसीव्ड। अब मिक्स करके पूछो, बैंक क्रेडिटेड, कैश डेबिटेड, बैंक डेबिटेड, बैंक क्रेडिटेड, कैश पेड, क्रेडिट क्रेडिटेड। हैव यू अंडरस्टूड? तो बेटा जब आपने एंट्री की तो इधर बैंक को क्या हुआ? क्रेडिट। तो जाहिर सी बात है पेमेंट होगा, पेमेंट होगा मतलब बैंक आपको पूछेगी नहीं, आपके अकाउंट में से पैसा काट लेगी। तो कितने काटेगी? बैंक बोलेगी देख रहे छिछोरे 12,000 रुपए तो बिल के है और तेरे नलायक आदमी ने पैसे नहीं भरे, तो उसके लिए नोटिंग करवाया उसका 20 रुपए उसके, तो टोटल कितने मिलने चाहिए मुझे? 12,020। राइट आंसर ढूंढ के बताओ, क्या बोलते हो? राइट आंसर तुम्हारा बोलना सी है, मेरा भी बोलना सी है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सी। सी को टिक मार्क कर दो, ये सब टिक मार्क हो जाए, सी को टिक मार्क करो। कर दिया क्या? और एंट्री लिख दो उधर, ड्रॉवी टू बैंक। ये कैसे पता चला? ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू बैंक, एंड राइट डाउन द एंट्री। अमाउंट कितनी है? 12,020, 12,020, ठीक है। ये सुनो ना, कोई मूवीज देखते हो क्या तुम? जैकी चैन की मूवीज देखी है? क्या होता है जैकी चैन की मूवीज में? फाइटिंग होती है। तुम बताया कि स्टंट्स भी होते हैं, बराबर है। उसमें हर बार एक तुम एक तरीका देखोगे, जब वो फाइटिंग करता है ना तो वो कैसा करता, मारता है तब कोई भी हाथ ऐसे वैसे करेगा तो मुंह से एक आवाज आती है। कैसी आवाज आती? कर बताओ तो। नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं, आती है ना? हाई हाई कुछ भी। तुमने कभी देखा है क्या, अगर आप फाइटिंग के वक्त देखते हो, कोई हीरोइन अगर किसी को मारने के लिए जाती है, राइट, चक्कू अक्कू से या किसी से भी, बंदूक से नहीं, चक्कू अक्कू से, सो जब भी एनर्जी लगती है तो मुंह खोलकर चिल्लाकर फिर मारते हैं, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं, मैं हंस क्यों रहे, मैं जेन्युइनली सीरियसली बात बोल रहा हूँ, ऐसे मारे, ऐसे एग्रेशन होता है, कर। तो तुम अगर हमारे कोई ये भी देखोगे फोटोग्राफ्स वगैरह जो प्रिंट होते हैं, तो उस फोटोग्राफ्स प्रिंट भी होते हैं, तब जो कोई व्यक्ति मारने जाता है किसी को या कोई किसी का वध कर रहा है, राइट, तो उस केस में एग्रेशन दिखाई जाती है, हाँ या ना? बेटा जी, पढ़ाई के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ है, एक स्वरूप होना जरूरी है। तुम सैड होकर कभी डांस नहीं कर सकते, मतलब लेकर नहीं जाते कि शादी में वो बुड्ढे बुड्ढी को नचाते ऐसे, सैड रहते, नाचने का नहीं रहता, फॉर्मेलिटी में रहते, आते ऐसे ऐसे करते फिर चले जाते, वो डांस थोड़ी ना हुआ, सामने वाले को भी बोर गया, इसको भी बोर गया, है नहीं? और कुछ लोग रहते ऐसे, मतलब म्यूजिक नहीं भी रहा तो भी डांसते, पाटिल ठीक है, बट देखते हो आप ऐसे नाचते लोग धनाधन। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ पांडे जी, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए राइट बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट, एक वो फ्लेयर आना जरूरी है। अब फ्लेयर कोई सिखा नहीं सकता तुमको कैसा फ्लेयर होता है, मतलब यार ऐसा होना चाहिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तुम में कोई फर्क नहीं है। जैसे एक डांसर नहीं होता कि डांस करता है, तो डांस और डांसर में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इस तरीके से मूव होते हैं, है नहीं? किस तरीके से लैंडिंग करते फीट पर वगैरह, अब उतने लेवल तक हम नहीं जा सकते, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो इज्जत से सही से, तो आप में और पढ़ाई में फर्क नहीं होना चाहिए, इतना तल्लीन हो जाने को ना, इतने खड़ाखड़ा आंसर आने को ना, ऐसा है। कुछ बच्चे मुझे पता लगता है कि ऐसा रिजर्व करके रखते चीजें, बोलते ही नहीं है, आता होता है फिर भी बोलते नहीं, क्या है आता है सर, तो ऐसे ही पूछते रहते बार बार, उसको तो काम धंधे है नहीं, पूछते रहता, ऐसा नहीं है, बोलना चाहिए, इससे तुम्हारे अंदर वो फ्लेयर डेवलप होता है कि कैसे पढ़ाई के साथ बात करते हैं। जो आगे मैंने देखा फाइनल या इंटरमीडिएट में भी बच्चा है ना, ऐसा प्रॉब्लम देखने के बाद में प्रॉब्लम के साथ बातचीत होती है, और वो बातचीत तभी होगी जब आप अभी से बातचीत करना शुरू करते हो। यू नीड टू टॉक टू देम, यार कम ऑन, दिस क्वेश्चन आर नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग, यू नीड टू फील इट। क्यों मैंने बताया कि टू बैंक, बैंक को क्रेडिट हुआ तो पेमेंट होता है, आई वॉन्ट यू टू फील इट, कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो डिडक्ट होता है, यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फील द ब्यूटी ऑफ दिस डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। सलाम पूरे कुटला क्वेश्चन, अभी अगर आवाज नहीं आया ना तो मजाक नहीं भाला रहेगा। और कौन सा क्वेश्चन है? एट है क्या? ठीक है, आ जाओ एट पर आ जाओ बेटा, पढ़ो क्या लिखा है। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज हाउ मच? 1 लाख।
वाई पेड कैश 30,000, तो 1,00,000 में से 30,000 कैश पे कर दी, तो कितना रह गया 70,000, वेरी गुड। फिर उन्होंने बोले एक्स विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन बैलेंस, इंग्लिश समझती है क्या, ऑन बैलेंस, बैलेंस कितना है 70,000। वाई रिक्वेस्ट एक्स टू ड्रॉ अ बिल फॉर बैलेंस, द अमाउंट ऑफ बिल विल बी 70,000 इंटू 98%। सदमा लगा, 2% डिस्काउंट है तो बचा कितना 98% ना 66 68। ओके, व्हाट इज द न्यू बिल का अमाउंट 68,600। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता गुड़िया, सबके इसमें अलग अलग छपा है, 12 है क्या, 12 आ जा भाई। इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का रूल ध्यान में रहे, 1/1/2005 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर हाउ मच 10,000 एट मैच्योरिटी, वाई रिक्वेस्ट एक्स टू रिन्यू द बिल फॉर 2 मंथ एट 12% पर एनम इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी, कोई अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेगा, मुझे फॉर्मूला चाहिए, ओल्ड बिल प्लस एनसी माइनस अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। सो बेटा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ओल्ड बिल जल्दी से बता दो, कितना 10,000 है क्या, एड एनसी 0, अरे हाँ नहीं, माइनस अमाउंट रिसीव्ड 0, बराबर है क्या, ब्रैकेट क्लोज इंटू व्हाट रेट 12% इंटू 2/12 200। बेटा ये जिनको स्टेप ऐसे बकवास लग रही है, स्टेप बकवास नहीं है, आगे जाकर यही स्टेप आपको बचाने वाली है। डायरेक्टली क्यों निकालने का, आपने को फॉर्मूला पता है ना, अमाउंट ऑफ द बिल एड एनसी इफ एनी लेस अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है। से यस, ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 13 में सुन लेते, 1/1/2005 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 15,000 फॉर 3 मंथ्स एट मैच्योरिटी, वाई रिक्वेस्ट एक्स टू एक्सेप्ट 5,000 इन कैश एंड फॉर बैलेंस ड्रॉ फ्रेश बिल ऑफ 2 मंथ्स टूगेदर विथ 12% इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, एड वन मोर क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ न्यू बिल विल बी, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड करो, अमाउंट ऑफ न्यू बिल विल बी, दोनों करेंगे क्या सॉल्व इसको, हाँ अब सुन, अच्छा इधर बता दे, इधर अमाउंट ऑफ बिल कितना था, न्यू बिल कितना आएगा बेटा 10,200, ये समझे क्या, पहले वाले का आंसर। अब इसका देखते बेटा, कितने का बिल था 15,000 था क्या, प्लस नोटिंग चार्जेस 0 था क्या, अमाउंट रिसीव कितना था, ओके इंटू व्हाट इज रेट इंटू अमाउंट, वही आई 200, नहीं वही है, सो व्हाट इज राइट आंसर ए। नाउ कैन वी सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, अरे बाप रे छोरी तो एकदम कलाकार निकले, सो पहले क्या है, ओल्ड बिल प्लस एनसी प्लस इंटरेस्ट माइनस अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी मिला है उतना इज इक्वल टू व्हाट, न्यू बिल। सो बेटा हमारा ओल्ड बिल कितना 15 प्लस एनसी कितना 0 प्लस इंटरेस्ट कितना 200 माइनस अमाउंट रिसीव्ड कितना 5,000। बेटा इंटरेस्ट के अमाउंट नहीं मिली है, रीड करो, इंटरेस्ट के अमाउंट नहीं मिली है, सिर्फ 5,000 रुपए मिले, बोला है देखो। सो बेटा व्हाट इज द न्यू बिल अमाउंट 10,200, तो न्यू बिल पूछा तो ये आंसर, इंटरेस्ट पूछा तो 200। ओके बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताया मैंने आपको, 15 सॉल्व करेंगे अभी, कम डाउन टू 15th क्वेश्चन नंबर 15th। यस बेटा देख जरा 15 में क्या है, 1 जून 2005 की बात है, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 25,000 एट मैच्योरिटी, वाई रिक्वेस्ट एक्स टू एक्सेप्ट 5,000 इन कैश एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड 100 एंड फॉर बैलेंस एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 2 मंथ्स एट 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द बिल विल बी, इंटरेस्ट अमाउंट विल बी, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ बिल विल बी, अमाउंट ऑफ न्यू बिल। चलो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या शॉर्टकट बताया, ओल्ड बिल कितना है बोलो यार जल्दी से, मुझे देरी हो रही है, 25,000 एनसी कितना है 100 माइनस अमाउंट रिसीव्ड कितना है, अरे आवाज ही नहीं आती यार, 5,000 इंटू 12% इंटू 2/12 बोल एनसी क्या, एट मैच्योरिटी वाई रिक्वेस्ट एक्स टू एक्सेप्ट 5,000 इन कैश एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड 100
तो एक्चुअली तुम्हारा बोलना है कि नोटिंग चार्जेस भी कैश में मिल गया है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, उन्होंने क्या बोला है, एट मैच्योरिटी वाई रिक्वेस्ट एक्स टू एक्सेप्ट 5000 इन कैश एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड रुपीज 100। नहीं नहीं बराबर है, सुनो सुनो, लाइन को बराबर से पढ़ो। एट मैच्योरिटी वाई रिक्वेस्ट एक्स टू एक्सेप्ट 5000 इन कैश, ये तो कैश में मिल रहा है 5000, एंड का मतलब प्लस, एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड 100, एंड फॉर बैलेंस, अंडरलाइन द वर्ड एंड फॉर बैलेंस, एंड फॉर बैलेंस मतलब बेटा जी नोटिंग चार्जेस भी कैश में मिल गया, एंड फॉर बैलेंस मतलब नोटिंग चार्जेस भी कैश में मिल गया। देखो पढ़ो लाइन को पहले, अरे सीधा बोलना चाहिए था यार बच्चे को, क्यों खाली पकड़ जान खाई हुई बच्चे की। 5000 कैश में मिल रहा है, समझ में आ रहा है, नोटिंग चार्जेस 100 इनकर हुए वो भी कैश में मिल रहा है क्या? आंसर है यस, क्योंकि फॉर द बैलेंस बोला है। हाँ या ना, बैलेंस मतलब नोटिंग चार्जेस भी कैश में मिला है। सो बेटा जी मेरे इधर 5000 की जगह पे मुझे सिर्फ चेंज क्या करना पड़ेगा, 5000 सॉरी माइनस 5100, यह हमेशा माइनस नहीं होगा बेटा, अगर कैश मिली होगी तो ही माइनस होगा। और इधर कौन सी कैश हम माइनस करते हैं, कैश रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मगर अगर नोटिंग चार्जेस की कैश मिल गई तो माइनस होगी, हाँ या नहीं? अब गुड़िया बताओ मुझे कितना आएगा, 20000 इंटू 12% इंटू 2/12, बताओ कितना आ रहा है, 400 इज वॉट इंटरेस्ट, वॉट इज द राइट आंसर, डी। एक काम करो और एक लो, 20100 20100 इंटू 12% इंटू 2/12 402, तो अगर हम वो आंसर निकालते तो भी मैच नहीं हो रहा है, वो बच गया अपन, बट कुल मिलाकर यहां पर ये कैश में मिला है इसके लिए माइनस किया है। एग्रीड और नॉट? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, नए बिल के अमाउंट देखो, 25000 प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट माइनस अमाउंट रिसीव्ड 5100 है क्या? अरे भाई हाँ या ना, कितना आ रहा है अमाउंट, 20000, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑलराइट, दिस इज द न्यू बिल एंड दिस इज इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, यू मीन 22, ओके 22 में पढ़ो, M sold goods worth 50,000 to N on 1/10/2005. N immediately accepts a 3-month bill. On due date, N requested that the bill be renewed for a fresh period of 3 months. N agrees to pay interest at 18% per annum in cash. How much interest will be paid in cash? Add one more question from my side. Amount of new bill. Amount of new bill will be. Achha, interest nikalenge pehle? चलो फॉर्मूला बताओ यार, बता दो यार फॉर्मूला, ऐसे क्या रोते रोते बात करते हो यार, बस क्या यार, ओल्ड बिल प्लस एनसीपेनी माइनस कैश रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, आई सेड एक्सक्लूडिंग ओनली इंटरेस्ट नॉट एक्सक्लूडिंग एनसीएफ रिसीव्ड, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में एनसी मिला था तो हमने माइनस किया था, हाँ या नहीं? चलो बताओ बेटा कितना है, 50000 है क्या ओल्ड बिल, हाँ, प्लस एनसी है क्या, जीरो, प्लस एनी कैश रिसीव्ड है क्या, है कैसा नहीं है, है, पर वो है क्या इंटरेस्ट, इसीलिए माइनस नहीं करना है, जीरो नहीं है, मतलब कैसे बोल देते रिची छोरे, 50000 प्लस नोटिंग चार्जेस इन कैश मिली है बेटा, मगर वो कैश इंटरेस्ट मिली है, मैंने क्या बोला, लेस कैश रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़कर कैश माइनस करनी है, हाँ नहीं गुड़िया? अब मुझे बताओ कितना इंटू कितना रेट है, 18% इंटू व्हाट, हाँ बोल छोरी कितना है, 25, सॉरी थैंक यू। अब बेटा न्यू बिल कितना आएगा, 50000 प्लस एनसी जीरो प्लस इंटरेस्ट 250 माइनस कितना, अरे 2250 माइनस कैश रिसीव्ड 2250, मालूम है ना इंटरेस्ट कैश में मिला है, हाँ या ना? ए पांड्या आंसर क्या है, नए बिल का 50000, समझे क्या, नहीं न्यू बिल इज 50000। चल 12th, नहीं नहीं 11th, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, 25वां,
क्या बेटा 25th लेना है ना, वही मैं कब से बोल रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन है 25th। एक्स सोल्ड टू वाई 3 लाख में, देख रहे हैं पांडू बराबर है क्या, एक्स ने वाई को बेचा 3 लाख में, फिर हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश, मतलब 1.5 लाख कैश में मिल गई, क्या मजाक कर रही है, एंड द बैलेंस इन बीआर फॉर व्हाट अमाउंट एक्स शुड ड्रॉ द बिल ऑन वाई। ये तो इज्जत निकाल रहे तुम्हारी, क्या राइट आंसर है 1,50,000। किसी को 1,20,000 तो नहीं लग रहा ना, इसका राइट आंसर है 1,50,000। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं यार ये सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 27th का आंसर देख लेते हैं। ए सोल टू बी 20,000, ए विल ग्रांट 5% डिस्काउंट टू बी, बी रिक्वेस्टेड ए टू ड्रॉ द बिल, द अमाउंट ऑफ बिल विल बी, क्या अपने साथ मजाक कर रहे क्या लोग, मतलब तुम्हारी लेवल ये है क्या, बताओ जल्दी से आंसर। 19,000 कैसे निकाला चोरी, 20,000 माइनस 5% 19,000 बराबर है यार, डिस्काउंट देकर, कॉमन सेंस की बात है। ये 27 का आंसर क्या है, बी। किसी को 19,200 लग रहा है क्या, मतलब वो अमाउंट कैसे आती बस ये बता दो। नेक्स्ट 29 है, ठीक है 29 कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे, ए ड्राज अ बिल ऑन बी फॉर 50,000, ए एंड आर स्टिट टू सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 50,500, ठीक है, नोटिंग चार्जेस 200 एज द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, ए वॉन्ट्स टू पे द अमाउंट टू सी एट 2% डिस्काउंट, द अमाउंट टू बी पेड बाय ए टू सी विल बी, क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर नोटबुक्स, कुछ लिखना नहीं है, स्पेशली तू लिखना चालू कर देता है, तू तू तेरा पीछे वाला लिखना चालू कर दे, शांति से सुनो, थोड़ा कॉमन सेंस से समझेंगे क्वेश्चन को, पहले समझते कि बोल क्या रहे। सपोज बेटा कि मुझे आपको पेमेंट करना था 15,000 रुपये, ओके, सो कैन आई हैव योर नेम, रेड टी शर्ट बैठ बैठ के ओम्या को, ओम कान में बाली कब डाला, पिछली बार तो नहीं थी, अच्छा ओम को मुझे पेमेंट करना है कितना, 15,000, डू यू ऑल अप्रिशिएट, यस मैं इसको 15,000 देने वाला हूं, ठीक है। फिर होता क्या है कि मैं एक, मेरे पास बिल होता है, वो बिल ओम को लाकर दे देता हूं, वो है 14,500 का, ओम को ये बिल दे देता हूं और ओम को बोलता हूं यार सेटल करना है यार बैलेंस खत्म करके सा, राइट। तो देखो मेरे पास क्या क्या था, मेरे पास एक बिल था, मैं बोलता हूं बीआर अकाउंट डेबिट 14,500 टू मुझे किसी डेटर से आया या ड्रॉवी 14,500, तो फिर मेरे पास बिल कितने का है 14,500 का, फिर मुझे ओम को पेमेंट करना है 15,000, तो फिर मैं क्या करता हूं, एंट्री करता हूं ओम अकाउंट डेबिट 15,000, रिवर्स किया टू बीआर 14,500 एंड टू डिस्काउंट कितना है बेटा जी 500। ये एंट्री मैंने आपको सिखाई है, आप बोल ही नहीं सकते कि नहीं सिखाई है, अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने एंडोर्स के 3 केसेस लिख कर दिए, उनमें से एक कोई केस है, ये मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट यस आई हैव गिवन यू 3 केसेस एंडोर्समेंट के। तो उसमें क्या हुआ कि जो मेरे पास बिल है 14,500 का वो मैंने इसको दिया, एग्रीड, तो इसने मुझे डिस्काउंट दिया 500 का। अब मान लो ये बिल डिसऑनर हो गया, राइट, गटर मत खोलना, अगर ये बिल डिसऑनर हो गया, ओम ने मुझे डिस्काउंट दिया था क्योंकि मैं तुरंत पेमेंट कर रहा था 500 का, अगर मान लो ये बिल डिसऑनर हो गया तो ओम मुझसे कितने रुपए मांगेगा, ओम ये नहीं बोलेगा 14,500 दे दे बस बात खत्म करो, वो बोलेगा पूरे के पूरे 15,000 चाहिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसके आगे की लाइन पढ़ो, उसके आगे की लाइन पढ़ो, ओम सेटल्ड, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, 29th क्वेश्चन, ए वॉन्ट टू पे द अमाउंट सी एट 2% डिस्काउंट, मतलब पहले ही डिस्काउंट दे चुका है वो, और वापस बिल डिसऑनर होने के बाद में और 2% का डिस्काउंट ना। देखो सुनो, ओम को मुझे कितने देने थे ओरिजिनली, यही यही केस करते आगे, ओम को कितने देने थे 15,000, मैंने उसको कितने का बिल थमा दिया हाथ में 14,500, बट बिल डिसऑनर हो गया, क्या उसको 14,500 रुपए भी मिले क्या,
ये वापिस मेरे पास भागा भागा है, मेरे पैसे दे। तो मैं बोलता हूं यार थोड़ा तो डिस्काउंट दे। मैं बोलता हूं 3% डिस्काउंट दे। तो 3% क्या, 14,500 पर या 15,000 पर? कॉमन सेंस है यार, क्योंकि वो पहला वाला ये जो डिस्काउंट दे रहा था, अगर ये बिल ऑनर हो जाता तो बात खत्म हो जाती वहीं पर। बिल ऑनर नहीं हुआ तो ओम छोड़ेगा नहीं, ओम मेरे को क्या बोलेगा, पूरे 15,000 रुपए आने गए तेरे से। हाँ नहीं? सो बेटा जब सेटलमेंट निकालना है इधर, तो सेटलमेंट निकालना पड़ेगा आपको 15,000 - 3% एंड दैट विल बी द फाइनल अमाउंट, यस और नो? तो सेम तरीके से ए था, ए के पास बिल कितना था 50,000 का, से यस। तो उसके पास एंट्री क्या हुई, ये देखो बी आर टू ड्रॉवी, होगा कोई उसका ड्रॉवी 50,000 50,000 से यस। फिर बेटा क्या हुआ, मैंने ये एंडोर्स कर दिया किसको, सी को, सी अकाउंट डेबिट 50,500। मैं नहीं, वो खुद बोल रहे, देख लो फुल सेटलमेंट हुआ है क्या? हाँ नहीं? बट मैं उसको दे कितने का सकता हूं, बी आर, तो बचा हुआ मैंने क्या ले लिया, टू डिस्काउंट। बट हाय रब्बा, हाय रब्बा, क्या हो गया, बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर? डिसऑनर। तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, सी मुझसे कितने रुपए मांगेगा, 50,000 या 50,500? जाहिर सी बात उसका अकाउंट का बैलेंस तो 50,500 का था ना। तुम बोलोगे सिर्फ एक बिल ही डिस्काउंट हो गया, ए डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर नहीं होती, पूरी ट्रांजेक्शन रिवर्स होती है। और अगर पूरी ट्रांजेक्शन रिवर्स होगी तो आई हैव टू पे हिम अगेन व्हाट, 5,500। तो अभी वो सेटलमेंट की अमाउंट निकालनी है, तो सेटलमेंट के वक्त कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 2% × 98% निकाल के बता बेटा। नोटिंग चार्जेस भी है, ये कब लग गए नोटिंग चार्जेस, ये तो गलत कर रहे हैं वो, ये नोटिंग चार्जेस 200 है। सो बेटा देखो अमाउंट ड्यू कितनी थी पहले, 5,500 प्लस एनसी कितना है 200, ये टोटल कितना बन गया 50,700 × 98% बेटा बता, 49,686, इज दिस राइट? सो व्हाट इज द राइट आंसर, सी बेटा। 29th क्वेश्चन लिख लो, डेफिनेटली रिवाइज बिफोर एग्जाम, डेफिनेटली रिवाइज बिफोर एग्जाम आएगा ये क्वेश्चन, ओके गुंडू? गुंडू ने बोला यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यू मीन 30? ये एक बार लिख लो फिर हम 30 करेंगे। Shall we go ahead? Here we take you to the next level, sir. This is which question? 29? Here we go with question number 29. Abhi 30 kya? Okay. Dekho beta. Read karun? Ye pehle ka likh kar ho gaya kya beta? Ye ho gaya na? अभी आपको क्या लगता है, आप एग्जाम में इसको एक मिनट में पढ़कर सॉल्व कर कर गोला बना लेंगे? वो स्पीड के हिसाब से मैं कर रहा हूं, तो उसी स्पीड से करने का आपको एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 30, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 1,00,000, ए एंडोर्स द बिल टू सी, द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 1,000, बी रिक्वेस्ट ए टू एक्सेप्ट द अमाउंट एट 2% डिस्काउंट बाय सिंगल चेक, द अमाउंट ऑफ सिंगल चेक वुड बी। बेटा क्या सिखाया मैंने आपको, पहले का अमाउंट ड्यू निकालो, कितना है पहले के बिल का 30 का, कितना 1,00,000 है क्या? फिर मैंने आपको क्या सिखाया, ऐड एनसी, कितना है बेटा एनसी 1,000, अच्छा ये अमाउंट आनी चाहिए, एग्रीड। अब सिंगल पेमेंट तुरंत करना है एट ए डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रहा है 2%, तो बेटा कैन आई नॉट से इंटू 98%, बोलो कितना आ रहा है 98? यही आंसर, चेक कर लो व्हाट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला, 30, अगर आप रेडी हो तो मैं आगे चलूं 35 पर, आर यू रेडी फ्रेंड्स? 35 को देखो बेटा, मिस्टर रेक्स
एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर रेबिन. ओके, सो मिस्टर रेक्स कौन हुआ? ड्रॉवी है ना, ये ड्रॉवी. एक बार बिल ड्रॉ कर दिया, अब ड्रॉवी चेंज नहीं हो सकता. ड्रॉवर एंडोर्स कर सकता है, ड्रॉवी अपनी लाइबिलिटी किसी और को नहीं दे सकता. तो ड्रॉवर कौन था? रेबिन. फिर रेबिन एंडोर्स टू शेखर. ऑन ड्यू डेट द बिल गॉट डिसऑनर्ड एज मिस्टर रेक्स बिकेम इंसॉल्वेंट. टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ द बिल इन द बुक्स ऑफ रेबिन, मतलब इसके बुक्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड. भाड़ में जाए. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, मतलब ये क्या है बे, अमाउंट तो दी नहीं है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. ठीक है, आगे कोई नहीं जाएगा, एंट्री पाइजे इधर की. इधर क्या एंट्री आएगी? यहां पर तुमको रेबिन के बुक्स में एंट्री करने का है. क्या एंट्री करोगे? ड्रॉवी टू एंडोर्सी. हु इज अ ड्रॉवी? मिस्टर रेक्स. तो रेबिन की बुक्स में मिस्टर रेक्स टू व्हाट? शेखर. हाँ या नहीं? जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट. हाँ या ना? सो हमारी एंट्री क्या बन गई बेटा? मिस्टर रेक्स, ड्रॉवी वही है, टू व्हाट? शेखर. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 35, डेफिनेटली रिवाइज बिफोर एग्जाम. डेफिनेटली रिवाइज. व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? उन्होंने पूछा क्रेडिटेड. हाँ, शेखर विल बी क्रेडिटेड. सही है. ओके, विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन इट टू यू. यू मीन 46? कम अलोंग 46. ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर 50,000 फॉर 3 months. प्रोसीड्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली. यार ये क्वेश्चन मैंने गलत दे दिया. ये अकोमोडेशन का, कल करेंगे इसको. कैंसिल कर दो. कल करेंगे मतलब अकोमोडेशन सिखाने के बाद में. वो क्या है? सॉरी सॉरी बोला ना मैंने. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्निंग द पेजिंग एंड कमिंग डाउन हियर. ओके, गौरी सोल्ड टू गुप्ता. 1 जून की बात है, 1600 रुपए में माल बेचा है. गुप्ता इमीडिएटली एक्सेप्टेड 3 months बिल. ऑन ड्यू डेट गुप्ता रिक्वेस्टेड दैट द बिल रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months. उन्होंने बोला ड्यू डेट के दिन रिन्यू करो. गौरी एग्रीज, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% वॉज पेड इमीजिएटली इन कैश. वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ गौरी. अब क्या ये, क्या तुम्हारी, तुम्हारे साथ ऐसा कोई कर सकता है क्या? अब बताओ मुझे. पहले मैंने इंटरेस्ट निकालने का पहले फॉर्मूला क्या बताया बताओ. ओल्ड बिल कितना है? 1600. फिर क्या बताया? ओल्ड बिल प्लस एनसी. कितना एनसी? 0. लेस अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. कितना अमाउंट मिला है? 0. इंटू क्या रेट? 9%. कितने महीनों के लिए रिन्यू करना है? 2/12. कितना अमाउंट आ रहा है? कितना? What is the right answer? Huh? See the right answer? That's it. I hope you enjoyed it. क्या भी renewal में tension है? Rebate का tension है? Clear है सभी को? New bill का tension है? New bill कैसे निकालना है? सभी को समझाया कि नहीं समझाया? पक्के से? Alright. So with this, we have done with what? Rebate and renewal of the bill. क्या हुआ? Sorry, मुझे नहीं पता था. बोल दो ना, कर दूंगा. ये कौन सा 54 था ना? 56. ओके, राम्स एक्सेप्टेंस टू दिन. राम कौन है? ड्रॉवी है कि ड्रॉवर है? ड्रॉवी. ये समझ आता है? राम्स एक्सेप्टेंस मींस राम इज व्हाट? ड्रॉवी. एक्सेप्टेंस टू दिन. दिन कौन है? ड्रॉवर. फॉर 8,000 रिन्यूड एट 3 months ऑन अ कंडीशन दैट 4,000 बी पेड इन कैश इमीजिएटली एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी. मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे पहले बताओ शॉर्टकट ऑफ इंटरेस्ट. ओल्ड बिल बोल कितने का है? 8,000. फिर प्लस नोटिंग चार्जेस 0. लेस अमाउंट रिसीव. कितना मिला है? 4,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितना बेटा? 12%. कितने महीने के लिए रिन्यू करने का है? 3/12. गेट मी द आंसर. 120. व्हाट इज द राइट आंसर? ए.
56. Boys and girls, I want the answer of 57. 57 है ना उसके बाद. देखो, A draws a bill on B for how much बेटा? 30,000. A wants to endorse it to C in settlement of 35,000. Underline the word in settlement of 35,000. अरे राम रे, अब गुगली आ गई. गुगली एट 2% डिस्काउंट विद द हेल्प ऑफ बीज एक्सेप्टेंस एंड द बैलेंस इन कैश. हाउ मच कैश ए विल पे टू बी? कोई घाई नहीं करेगा, पहले मुझे बताओ हमें सी को देने कितने हैं? हमारे 35,000 देने, हमारे पास बिल कितने का है? तो आपको लग रहा है कि डिस्काउंट 5,000 है? अगर ये लग रहा है तो लिख लेना मूर्ख. ये लग रहा है क्या? कौन सी लाइन के वजह से 5,000 डिस्काउंट नहीं है लग रहा है? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कहा कि 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट ही दे रहा है. तो पहले हम सेटलमेंट अमाउंट निकालेंगे. 35,000 माइनस 2% बेटा बता कितना है? 34,300. क्या आप मेरी बात से सहमत हो क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद बोल रहा है कि 2% डिस्काउंट दूंगा. इसके बाद में मैं उसको दे रहा हूं बिल. बिल मेरे पास कितने का है? 30,000. मैं बिल के अमाउंट कभी चेंज नहीं कर सकता. हाँ नहीं, मैंने बताया वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको तुम स्क्रैच कर चेंज नहीं कर सकते अमाउंट. तो कैश में कितना देंगे? ये बिल दिया 4,300. सो द राइट आंसर इज ए. क्या राइट आंसर है? ए. इजी लग रहा है? यस, वेरी गुड. चले भी आ गया. और कोई क्वेश्चन? नहीं. मैच द पेयर्स भी कर देते यार, तुम भी क्या याद रखोगे? मैच द पेयर्स मैंने अभी बैठे बैठे देखा, तो मैच द पेयर्स कर पाएंगे हम? ओ तेरी. मैं पहुंचूंगा तब तक तो तुम सॉल्व करके रेडी हो जाओगे. हाँ, मेरे इसमें से मैच द पेयर्स निकल दिए. ऐसा कौन करता है यार? मतलब एक बुक में मैच द पेयर्स है. ये देखो, इसमें मैच द पेयर्स है. ये देखो, इधर मैच द पेयर्स है. चलो छोड़ा यार, बताओ अभी नोटिंग चार्जेस. इज एन एक्सपेंस ऑफ ड्रॉवी, बट ये क्या छिछोरापन है? नोटिंग चार्जेस और इधर भी नोटिंग चार्जेस. हाँ हाँ, तीन का आंसर, तीन का आंसर डी. किसको ये तो नहीं लग रहा ना? इधर भी ये, इधर भी ये, मैच करो. ऐसा ऐसा नहीं है. तो ये खतरनाक था. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये यहां पर फीस चार्ज. बेटा तीन का आंसर लिख पहले डी. ये क्लियर है? 3 = D. बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए. ठीक है, इफ ड्यू डेट इज सडन हॉलीडे. सडन समझते हो? एमरजेंसी. प्रिसीडिंग या सक्सीडिंग? सक्सीडिंग. What will be the due date of the bill? Following day. B. फिर noting charges by logical is an expense of drawee. अरे हाँ नहीं, बच्चा कौन सा? वही एक है तो वो कर दिया. ठीक है भाई, अब मैं आपको एक बात बोलूँ क्या? अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ accommodation of bill. ठीक है, सभी लोग पहले हाथ ऐसे करेंगे. कर accommodation of bill करना है. accommodation of bill और bills of exchange का कोई लेना देना नहीं है. कोई लेना देना नहीं है, मतलब तुम्हारा एक चैप्टर हो गया है. एकोमोडेशन ऑफ बिल के लिए पूरे फ्रेश माइंड से करो. करेंगे क्या? तो एकोमोडेशन ऑफ बिल शुरू करूं. सभी लोग समझ के करेंगे, व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ बिल? सभी को समझ में आया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो करा दिया वो करा दिया, वो खत्म हो गया. उसमें कितने कॉन्सेप्ट थे मैं तुमको बताता हूं. जर्नल एंट्रीज परफेक्टली आनी चाहिए. सेकेंड कॉन्सेप्ट था इसके अंदर ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट पक्के से आना चाहिए. थर्ड कॉन्सेप्ट था रिबेट. चौथा कॉन्सेप्ट कौन सा था? रिन्यूअल ऑफ द बिल. उन सभी के शॉर्टकट्स आपके पास है. यस yes. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एकोमोडेशन ऑफ बिल के साथ शुरू करूं, या मैं प्रॉमिसरी नोट का एक कॉन्सेप्ट लेकर खत्म कर देता हूं. तो आई थिंक प्रॉमिसरी नोट लेकर खत्म कर देता हूं, तो चीजें खत्म हो जाती है. ठीक है, प्रॉमिसरी नोट खत्म करा दू ना. डरता क्या है? देखो, दो तरह की शादियां होती है. दो तरह की शादियां होती है. एक, ये इधर ए रहता है, इधर बी रहता है.
ए रहता है, बी रहता है, और बीच में एक और सी रहता है। सी रहता है मीडिएटर, मीडिएटर, उसको पंडित जी बोलो, मैरिज ब्यूरो बोलो, वॉट एवर, राइट। इसको कहते हैं अरेंज्ड मैरिज। ए बी एक दूसरे को नहीं जानते, शादी ये दोनों कर रहे हैं, बट ये एक दूसरे को नहीं जानते रहते। इधर और एक पार्टी होती है, अरे हाँ नहीं, तो वायसी कार्यक्रम होता है। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें हो गए तीन पार्टीज, ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। से यस। फिर क्या होता है, ए होता है और बी होता है, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, बट इसमें सी नहीं होता है, राइट। एक दूसरे को प्रॉमिस हो जाता है, तो इसमें लोग कितने होते हैं, दो, इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। हाँ या नहीं, मेरी बात समझ में है? तो प्रॉमिसरी नोट में कितने लोग होते हैं, दो, और बोई में कितने होते हैं, तीन। तीन के नाम बता दो ना यार, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, बराबर है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 20,000, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, राइट। अब उसके बाद में ए ड्रॉज बिल ऑन बी, ये हो गया बोई, बोई मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब ए पहल करता है, सेलर पहल करता है, क्रेडिटर पहल करता है, ड्रॉवर पहल करता है, हिंदी समझे, पहल क्या, पहल मतलब क्या, इनिशिएट, वाह, व्हेन ड्रॉवर इनिशिएट्स इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर जब बिल बनाकर भेजता है, ए ड्रॉज बिल ऑन बी, देन बी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड दैट बिकम्स व्हाट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट कई बार ऐसा भी होता है, ए बी के ऊपर बिल निकालता ही नहीं है, बी उधर से ही लिखकर भेज देता है, बी प्रॉमिसेस टू पे ए। अब यहां पर किसने किया, बी ने, बी कौन है, डेटर है। व्हेन बी इनिशिएट्स, व्हेन प्रॉमिसर इनिशिएट्स, व्हेन डेटर इनिशिएट्स, इट इज प्रॉमिसरी नोट। तो कौन बना रहा है इसके ऊपर है, ए ने ड्रॉ किया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बी ने प्रॉमिस किया डायरेक्टली, कुछ बोले भी नहीं, तो वो क्या बन जाती है, प्रॉमिसरी नोट। अब क्या बी ऐसा प्रॉमिस कर सकता है क्या, बी बोलता है आई प्रॉमिस टू पे टू सी, और ए एक्सेप्ट करेगा, हाँ कोई बात नहीं, सी को पेमेंट कर दे, नहीं। इसीलिए उसमें कितने पार्टीज होते, सिर्फ दो। सो बेटा प्रॉमिसरी नोट में जो ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है वो कहां से होती है, बी से, राइट। तो अब होता क्या है देख लेते हैं। अच्छा इधर ही बता दूं, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, तो हमारे पास ए की बुक्स है और कौन सी, बी की बुक्स है, बोलो ना हाँ या ना। अब ए बी के ऊपर बिल निकालता है तो एंट्री क्या हो गई, बिल्स रिसीवेबल टू व्हाट, बी, वेरी गुड, जो ए था, वेरी गुड। क्या एंट्री बनेगी, बी आर टू व्हाट, बी। मेरी बात पहुंची क्या आप तक, ये किसमें, इस केस की तो एंट्रीज आपको आती है, सपोज बी प्रोमिसेस टू ए, क्या बोला मैंने, बी प्रोमिसेस टू ए, तो वो बन गई क्या, प्रॉमिसरी नोट। मेरी बात पांडे जी ध्यान से सुनो, प्रॉमिसरी नोट भी आई तो एंट्री यही होगी। अगर आपको याद होगा लेक्चर वन मैंने कहा था कि प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कौन करने वाला है पहल उस पे फर्क है। प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉवी ड्रॉवर को बोलता है, सॉरी ड्रॉवी नहीं, प्रॉमिसर प्रॉमिसी को बोलता है, डेटर क्रेडिटर को बोलता है कि आई प्रॉमिस टू पे। बट इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर किसको बोलता है, डेटर को बोलता है। माजी गोष्ट करती, वेरी गुड। सो दिस वॉज वॉट द एंट्री। अब ये एंट्री क्या करेगा, अगर पहले वाले किस्से की एंट्री करनी है तो तुमको आती है, झूठ मत बोलो, क्या एंट्री होगी, ए अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बिल्स पेएबल। अगर ऐसा बोला कि बी प्रॉमिस टू ए, तो भी एंट्री वही है, ए अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बिल्स पेएबल, बोलो ना हाँ। बेटा कुल मिलाकर प्रॉमिसरी नोट में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला आता है, जिस क्वेश्चन में आपको इंस्टीट्यूट पूछती है कि हमारे पास जो करेंसी नोट होता है वो करेंसी नोट क्या है। सो एक करेंसी नोट है, इस पर क्या लिखा हुआ है, मैं लिखकर बताता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बीआरआर। बीआरआर का मतलब समझते हो, बीआरआर का मतलब समझते हो, जिसके हाथ में लग जाए वो। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो ये नोट नीचे गिर गई और ये झपट्टा मारकर इसको खींच लेता है, पकड़ लेता है, तो ये नोट उसकी हुई, एग्रीड। अब
ये पैसा कौन देने वाला, आई प्रॉमिस टू बी, ये पैसा तो आप समझते हो ना, अभी ऐसा आदि आदि मानव के जमाने में आदि मानव समझते, अच्छा ठीक है भाड़ में जाए आदि मानव को कहीं को जाने का, मेरी बात सुनो, बहुत भारी वाली बात बता रहा हूं, बहुत भारी वाली बात। तुम आज नीचे जाओ और नीचे एक ही एंटरप्राइजेस है, जाओगे आज उधर, प्लीज जाओगे, ठीक है, मेरा नाम नहीं लोगे प्लीज, मतलब मैंने भेजा ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ है वो तुम तुम्हारा संभाल लेगा। एक ही एंटरप्राइज में जाओ, उधर बिस्किट जो कुछ खरीदना है खरीद लेना, बुक्स वगैरह खरीद लेना, और फिर उसको लिख के दे देना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 10,000 रुपीज, ये ले। क्या है, तुमको आरबीआई ने यही लिख कर दिया है ना, ये एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसको बोलनेगा ये देखिए नोट है ना, इस पर क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, वैसे ही मैं लिख के दे रहा हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, तू ये पैसे जो मैंने नोट लिख कर दिया ना तेरे को मेरे साइन के साथ, वो भेजते रहना सबको, करोगे आज जाके, प्लीज एक बार करो, इससे ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में कभी नहीं आएगा, भिड़ोगे क्या आज, फिर कैसा ठोकेगा ना तुमको मालूम नहीं है वो, समझे या नहीं। तो बेटा जी आरबीआई ही सिर्फ प्रॉमिसरी नोट बियरर के लिए बनाकर दे सकती है, बियरर मतलब कौन व्यक्ति है किसके पास है, कोई लेना देना नहीं है, ये आरबीआई की गारंटी है कि इसके 10 रुपए का एवज आपको मिलेगा। पुराने जमाने में जब आप, या इकोनॉमिक्स में मनी टॉपिक है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि पैसे का आप ये जो है ना ये डॉक्यूमेंट बनाकर दिया आरबीआई ने, इस डॉक्यूमेंट के एवज में आरबीआई अपने पास कुछ गोल्ड रखा करती थी पुराने जमाने में, और अगर पुराने जमाने में आप आरबीआई को जाके देते तो आरबीआई आपको उतने एवज का गोल्ड देती, अब नहीं देती है, नहीं तो अभी जाओगे, अब नहीं, अब रूल चेंज हो गया, जब शुरुआत में करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी तब की बात बता रहा हूं। सो प्रॉमिसरी नोट बाय आरबीआई कैन बी पेएबल टू द बियरर बट ओनली बाय आरबीआई, बट माई डियर फ्रेंड एनी अदर प्रॉमिसरी नोट इन इंडिया बाय एनी पर्सन इज नॉट पेएबल टू द बियरर, बियरर को नहीं पेएबल हो सकती। सो मैं अभी अगर प्रॉमिसरी नोट मैं बनाता हूं, मैं आरबीआई हूं क्या, अगर मैं प्रॉमिसरी नोट बनाता हूं, सो आई हैव टू पे, आई प्रॉमिस टू पे, गुड नेम अथर्व, आई प्रॉमिस टू पे वॉट अथर्व, एग्रीड, ये बियरर नहीं है, इसमें नाम है व्यक्ति का, से यस, मुझे बताओ कौन बियरर प्रॉमिसरी नोट बना सकता है, आरबीआई। करेंसी नोट क्या है, पेएबल टू बियरर है क्या, करेंसी नोट क्या है, प्रॉमिसरी नोट है क्या, इसमें कौन किसको प्रॉमिस कर रहा है, आरबीआई इज प्रॉमिसिंग टू द बियरर, हु इज द बियरर होल्डर, मेरे होल्डर, से यस, गुड, कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 53, कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 53, लवली पीपल यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 53, इंडियन करेंसी इज अ प्रॉमिसरी नोट, सो व्हाट इज द राइट आंसर, बी प्रॉमिसरी नोट, हैप्पी, अभी एक और सुन लेते हैं, आवाज की ना बजा किस दूंगा, आवाज नहीं पाई जे, आवाज नहीं पाई जे, हाँ नहीं, अच्छा बचपन में सेल्स बुक की एंट्री की क्या, सेल्स बुक की क्या एंट्री कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री की क्या, अच्छा किधर की, सेल्स बुक होती है क्या ऐसी एक, अरे नलायको तुमको वास्ता है तुम्हारी सुंदर टीचर का, एंट्री किस में की, सेल्स बुक में की क्या, सेल रिटर्न का हुआ तो क्या किया, मान लो इधर सेल किया अथर्व को, राइट 600, गुड़िया तेरा नाम हर्षदा को सेल किया 500, तेरा नाम कृतिक, कृतिक को सेल किया 900 का, ए बाबू गेनू तेरा नाम पीछे कॉर्नर, तू संतोष के एकदम पीछे, मिथिल, निखिल, निखिल के पीछे आनंद, आनंद के पीछे, हाँ तेरे को इतना भाव की चाहिए रे, ऋषिकेश 300, ओके, हाँ तेरा क्या नाम बता बेटा तूने, निखिल, निखिल को 700, और तेरा नाम गुड्डू इधर हाथ, अस्मिता, अस्मिता को कितना सेल किया 200, ठीक है, अभी टोटल ले लो रे सेल्स बुक के, 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 3, 23, 23, 32, 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
हाँ ये हुआ सेल। अब मान लो अथर्व को सेल किया 600, सेल्स बुक में लिखा, मैं प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो, सेल्स रिटर्न हुआ
तो सुंदर टीचर ने ऐसे सिखाया होगा, इसको कैंसिल करो, इधर से सेल अभी हुआ था मगर वापस रिटर्न आ गया, इसको यहां से कैंसिल करो और 3200 को कैंसिल कर इधर लिख दो 2600। नहीं सुनो ना, अभी मैं और आगे जाता हूं। फिर क्या हुआ, ऋषिकेश बोला मेरे को भी नहीं चाहिए, इसका भी फिर कैंसिल करने का इधर ढूंढना पड़ता है सब बुक में जाके व्यवस्थित कौन ऋषिकेश कौन सा बिल, फिर ये वापस कैंसिल कर इधर लिखने का 2300। ऐसा होता क्या? या सुंदर टीचर ने ऐसे बताया, सेल की एंट्री सेल्स बुक में करो और सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में करो। बोलो, ऐसा बोला कि नहीं बोला? करता है। वैसे ही एक बुक का नाम है बीआर। बीआर बोले तो क्या, बिल्स रिसीवेबल बुक। अगर आपको बीआर मिलेगा तो आप एंट्री करोगे बीआर बुक में, बट अगर ये डिसऑनर हुआ तो इधर येड़े की जगह आके काटने का नहीं इसको, उसके एंट्री करने की, डिसऑनर ऑफ बीआर इन जेपी जर्नल प्रॉपर। सदमा लगा है? बताओ मुझे, बिल्स रिसीवेबल मिला कहां पे एंट्री करोगे? बिल्स रिसीवेबल बुक में। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, इधर आकर काटने का नहीं है, बिल दिया था इसको काट दो क्योंकि डिसऑनर हो गया, नहीं है, फिर उसकी एंट्री किधर कर दे? जर्नल प्रॉपर। सो बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, यू कैन मेक द एंट्री इन द बिल्स रिसीवेबल बुक, बट व्हेन इट इज अ डिसऑनर्ड द एंट्री शुड बी मेड वेयर? जर्नल प्रॉपर। तो सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुनोगे मेरी बात? ये देखो, ये इधर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बुक है। ओ, कुटे के लिए, हाँ इकड़े, ये बिल्स रिसीवेबल बुक दिख रहा है क्या? डेट ऑफ रिसीट, वाउचर नंबर, पार्टी फ्रॉम होम रिसीव्ड, एक्सेप्टर, डेट ऑफ द बिल, ड्यू डेट, प्लेस ऑफ पेमेंट, अमाउंट, LF, मोड ऑफ डिस्पोजल, है नहीं, कैसे डिस्पोज ऑफ किया, कैश रिसीव्ड हो गया, डिसऑनर हो गया, व्हाटएवर, बट डिसऑनर का यहां पर कोई एंट्री करने का औचित्य नहीं है। वो एंट्री कहां पे होती है बेटा जी? जर्नल प्रॉपर। बोलो ना, हाँ, क्या मेरी बात समझ में आया? वैसे ही सेम टू सेम किसके रिलेशन में बेटा जी? बिल्स पेएबल। अरे हाँ, मगर ये वैसे ही सेम बिल्स पेएबल है, इधर थ्योरी देख रहा हूं। एम आई कम्युनिकेटिंग? यहां पर देख लो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं लिखा है वहां पे, तो तुमको समझ में आया क्या? बिल्स रिसीवेबल कहां लिखते हैं? बिल्स रिसीवेबल बुक में। बिल्स पेएबल कहां लिखते हैं? बिल्स पेएबल बुक में। डिसऑनर हुआ तो कहां? बिल्स रिसीवेबल बुक में। कहां पे? जर्नल प्रॉपर। पक्का? सच्ची? एक दूसरा डालू क्या गूगली? ऑनर हुआ तो? अच्छा, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। ऑनर हुआ तो कैश टू बीआर, इट विल गो इन कैश बुक, राइट? सो लिखो बीआर रिसीव्ड, बीआर रिसीव्ड, बीआर रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल बुक, बीआर रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल बुक, बीआर रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल बुक। नेक्स्ट, बीआर, बीआर ऑनर्ड, बी आर ऑनर्ड, संतोष बी आर ऑनर्ड, कौन सी बुक बता? कैश बुक, बी आर ऑनर्ड, कैश बुक, ओके। बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड, जेपी जर्नल प्रॉपर, बी आर डिसऑनर्ड गुड़िया, जेपी जर्नल प्रॉपर, ओके। चलो अभी एकदम प्यार से भाई बोलो,